सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही दस नो दो राह है. आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म. एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड शायद कुछ, एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ तो मुझे सनातन. ऐसा लगता है कि सनातन में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। कहते हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है, तो वो जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक के जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मेरा में रहते पॉइंट हैं. पॉइंट पॉइंट यही ये है कि ये सारे जो है है। पहले हिंदू ही थे, वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे एक जमाने में, सारे मुस्लिम हिंदुस्तान. फैमिली में, एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं देवर सनातनीज, शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज, उन्होंने अपना उन्होंने इस्लाम जय को हिंद दोस्तों. दोस्तों तुर्की में भारत का दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा है. तुर्की की सरकार भले ही भारत विरोधी काम करती हो, लेकिन जो तुर्की के लोग हैं वो भारत की संस्कृति और भारत के धर्मों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं. और तो और तुर्की में भी सनातन धर्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है. सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही दस नो दो राह है. आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म. एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड शायद कुछ, एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ सनातनियों को, मे बी उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया. ये वो कश्मीर है जहां पे आप देख सकते हो कि मसरत जहरा जैसी जर्नलिस्ट, ठीक है, वो सिर्फ कवरेज देती थी एनकाउंटर्स को एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कवरेज देती थी, उसको बताया जाता था कि ये तो कश्मीरी है ही नहीं, ये शी इज नॉट वन ऑफ अस, शी इज नॉट दिस. अब उसको अपने आप को कश्मीरी प्रूव करने के लिए इंडिया बैशिंग जर्नलिज्म शुरू करना पड़ा. तो आप समझ सकते हो वहां माहौल कैसा था. वहां कोई दुपट्टे के बगैर चलता तो उसको घर से बाहर निकाल के उसको काली पोती थी दुख तराने मिल्लत की औरतें. हम जो सब कॉन्टिनेंट मेरा में रहते पॉइंट हैं, पॉइंट पॉइंट यही ये है कि ये सारे जो है पहले है। हिंदू ही थे, वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे एक जमाने में, सारे हिंदुस्तानी थे, ठीक है ना. इट्स हाँ, लाइक दरअसल हाल ही में तुर्की के एक मशहूर अभिनेता बोराक डेनेज भारत आए हैं, और भारत आकर उन्होंने सनातन धर्म के बारे में भी अपनी रुचि दिखाई है. भारत आने के बाद उन्होंने मुंबई दर्शन तो किया ही है, साथ ही साथ वो मुंबई में एक इस्कॉन मंदिर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की है, और मंदिर में वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे. उन्होंने इस पल की छवि इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कहा है कि भारत आने पर उनको बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, साथ ही साथ उन्होंने भारत को धन्यवाद भी कहा है. अब अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि आखिरकार ये इस्कॉन क्या कहलाता है, तो वैसे तो मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन चलिए एक बार फिर से इस्कॉन के बारे में जान लेते हैं. तो देखो, सनातन धर्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए दुनिया भर के देशों में बड़े बड़े और महंगे महंगे मंदिर बनाए जाते हैं, गुरुकुल बनाए जाते हैं, और इन गुरुकुल में सनातन धर्म के बारे में मुफ्त में शिक्षा दी जाती है. इन मंदिरों में 24 घंटे पूजा पाठ चलते रहते हैं, अखंड भंडारे करवाए जाते हैं, और इन सब कामों को करने के लिए, इन सब का संचालन करवा के लिए जो संस्था पैसे देती है, वही संस्था इस्कॉन कहलाती है. और इसीलिए विदेशों में ज्यादातर मंदिर और गुरुकुल इस्कॉन के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसीलिए उनको इस्कॉन मंदिर या फिर इस्कॉन गुरुकुल कहा जाता है. विदेशों में जो लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं और इस्कॉन के सभी कामों को करते हैं, भगवा वस्त्र धारण करके 24 घंटे प्रभु की आराधना करते हैं, उनको भी इस्कॉन ही कहा जाता है. इस्कॉन मंदिरों में लोग आपको ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा करते ही दिखाई देंगे. हालांकि जो गुरुकुल होते हैं उनमें सनातन धर्म की शिक्षा देते वक्त, रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ाते वक्त सभी देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है, और उनसे जो शिष्य हैं उनको परिचित कराया जाता है. परिचय का मतलब ये है कि गुरुकुल में जो भी शिष्य होते हैं उनको ये बताया जाता है कि ये भगवान शिव हैं और ये भगवान श्री राम हैं. और इन इस्कॉन की वजह से ही आज दुनिया भर में सनातन धर्म बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां सनातन धर्म से जुड़ रही हैं. सनातन धर्म वुमेन्स को कितना इम्पावर करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक अगर सनातनी वुमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम वुमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी हासिल है, तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं?
पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है, दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स. आप देखेंगे कि जब दो बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो. मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है. कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है. आई थिंक के जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता. सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है. मैं कहती हूँ कि तुम किस 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 की बात करते हो, सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है, तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐप छुपाना चाहते हो. तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर. मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज. रिलीजन जो है वो कुछ और था एंड देन यू जस्ट गॉट चेंज. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली. मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं देवर सनातनीज, शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज. उन्होंने अपना उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई. मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है, हमने कुरान पढ़ना सीखा. उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट. तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया, लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरेगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरेगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माई दादी के इधर. और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. When I grew, जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई. And I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ. I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ. मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम यू नो मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू. ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमन ऑलवेज द यू नो कि इतना इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टूवर्ड्स मेन. ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे, मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना, तो मैंने ये बहुत कुछ देखा. एंड सडनली मुझे ऐसा लगा था आई डोंट वॉन्ट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनी मोर. आई गेव अप. नाउ आई गेव अप. उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था. ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन. मैं एक एग्नोस्टिक थी, हाँ कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट. आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स. देन आई गॉट मैरिड, मतलब जब मैं मैरिड, आई गॉट मैरिड टू हिंदू, बट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज नेवर इंटू सनातन. आई वॉज नेवर फोर्स्ड इंटू सनातन. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग. वेदर आप एक विमेन हो, आप एक मैन हो, यू आर नॉट
forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ या आप अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता अगर मैं कैथलिक बनती तो भी मतलब they give space and space is very important for me. शायद मेरी मेरे नेचर में है ये that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद when I was in my 50s that is the time when I went into Sanatan. हालांकि इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए.